मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुराने रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया, जिसके कारण लगभग 7-8 लोग घायल हुए हैं। घटना के समय स्टेशन पर काफी लोगों की भीड़ थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मुख्यालय की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रियंका दीक्षित ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सरकारी हिमिदिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब प्लेटफार्म 2 और 3 को जोड़ने वाली एमओवी कार रैंप का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में रैंप पर खड़े 8 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राइवेट अस्पताल चिरायू में उपचार के लिए ले जाया गया। रेलवे के डॉक्टर चिरायू और हमीदिया दोनों अस्पतालों में घायलों की सहायता के लिए मौजूद हैं। भोपाल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी आईए सिद्दीकी ने बताया कि भोपाल रेलवे मंडल प्रबंधक उदय बोरवनकर ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। घटना पर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी आईए सिद्दीकी ने कहा कि फुटओवर ब्रिज का एक छोटा सा स्लैब रह गया है, 7-8 लोग घायल हुए हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है, ना ही कोई हताहत हुआ है। इस मामले की जांच करेंगे और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सिद्दीकी ने बताया कि 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक फुटओवर ब्रिज के एक हिस्से के गिरने से हुआ हादसा बेहद दुखद है। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना है। प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज और हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।